हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 2 दैट इज़ अ फेडरलिज्म। फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म की। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेडरलिज्म, उसके की फीचर्स, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बीच का डिफरेंस, फेडरेशंस कैसे बनाए जाते हैं और क्या कारण रहे थे, क्या रीजंस रहे थे कि इंडिया ने जो है फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। उसके बाद में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ और उसके रीजंस। कम टू द टॉपिक, दैट इज़ अ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, पावर को शेयर करना। व्हेन इट कम्स टू अ पावर शेयरिंग, दैट मींस कि वहाँ पर पावर एक से ज़्यादा लोगों में शेयर होगी। एंड दिस रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म कि जब दो और दो से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको फेडरलिज्म कंसिडर किया जाता है। अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है सेम सिटीजन्स को, बट हर टीयर में अपना एक अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है अपने लेजिस्लेशन, अपने टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी जैसा कि हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ द यूनियन, स्टेट एंड लोकल। यानी अगर डिफरेंट टीयर्स है गवर्नमेंट का, दैट मीन्स यूनियन, स्टेट एंड लोकल, इस डिफरेंट टीयर में ये जो गवर्नमेंट है, तीनों गवर्नमेंट मिलके एक ही कंट्री के लोगों को सर्व कर रही है। यानी सिटीजन्स भी सेम हैं, उनके कल्चर्स भी सेम हैं, सब कुछ उनका सेम है। एक कंट्री में जब अलग अलग टीयर पे गवर्नमेंट रन करता है, वो आपका फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, बट उनका ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो अलग होगा। यानी यूनियन का गवर्नमेंट अलग होगा, स्टेट का गवर्नमेंट अलग होगा और लोकल का गवर्नमेंट अलग होगा। और इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, हर टीयर जो है आपकी गवर्नमेंट का, वो चाहे यूनियन हो, चाहे स्टेट हो और चाहे लोकल हो, उसको अपने आप कॉन्स्टिट्यूशनल ने गारंटी किया है। नेक्स्ट, दैट इज़ अ फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी यूनिलेटरल और चेंज बाय एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने लेवल्स के बात किए थे, अगेन द यूनियन, द स्टेट एंड द लोकल, यानी ये तीनों ही लेवल के पास में कोई भी एक इकलौता, यानी ज़रूरी नहीं है कि यूनियन चाहे तो या स्टेट चाहे तो या लोकल चाहे तो, कोई भी अपनी मर्जी से इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसके अंदर सबकी कंसेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, पर सबकी कंसेंट होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। कोर्ट के पास में अपनी पावर होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सके, और जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी पावर को वो चेक कर सके। कोर्ट्स, यू कैन से जुडिशरी जो है, मैंने पहले भी बताया है कि जुडिशरी हमारे लॉज को, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए कोर्ट्स के पास में पावर होती है। जो भी सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, हर लेवल के गवर्नमेंट के, यानी चाहे यूनियन हो, लोकल हो और चाहे आपका स्टेट हो, वो क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं अपने फिनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए। जैसा कि हमने एक फीचर इसका पहले भी पढ़ा है कि इनका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंट लेजिस्लेचर इन अ स्टेट, इन अ यूनियन और इन अ लोकल, एंड एज इट इज़ एप्लीकेबल टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑल्सो। Now come to the point, that is a federal system. That means उसके दो objectives हैं कि ये promote करता है unity को country के, ठीक है, और हमारी regional diversity को specify करता है। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि federal system है, that means there is a distribution of power between the union or you can say the center or state and local. It itself say that there is a unity between these of three. यानी ये हमारे कंट्री के यूनिटी भी प्रमोट करेगा, और आप साथ साथ में ये कह सकते हैं क्योंकि ये एक कंट्री जो होता है, जैसे इंडिया का जो मैप है, इट इज़ डाइवर्सिटीफाइड इंटू सो मैनी वेज। अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें, तो ये जो मैप जो है आपका, ये हमारी रीजनल डाइवर्सिटी को जो है रिफ्लेक्ट करता है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में हो रखा है। दिस रिफ्लेक्ट द यूनिटी ऑफ द इंडिया।
नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज अ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल सिस्टम। थ्रू आउट वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो दो टाइप के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, दैट इज द यूनिटरी एंड द फेडरल सिस्टम। इंडियन कंट्री हैज अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी फीचर। इट्स सेल्फ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फीचर दैट इंडिया में यूनिटरी होने के साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है। लेट्स डिस्कस कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेडरल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी है पावर का सेंट्रल, स्टेट और लोकल के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ओवररूल नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में या स्टेट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी कंट्री का होता है, वो ऑलरेडी सेंटर और स्टेट को स्पेसिफाई कर देता है उसके पावर्स और उसके वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो अपने लिए जो काम कर रही है या स्टेट के लिए जो काम कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो आंसरेबल हो, बिकॉज होल अथॉरिटी इज कंसिडर्ड इन टू द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी स्टेट करेगा वो सेंट्रल के पास में प्रायर इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इंडिया इज अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम, इवन कैनेडा एंड इवन जर्मनी, सो दीज कंट्री अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम। इसके बाद में बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की। तो यूनिटरी फीचर्स जो होती हैं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आर ऑलवेज आंसरेबल, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो फॉलो करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा यहाँ पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर, अगर हमने प्रीवियसली बात करी थी, तो फेडरल गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी सिस्टम वो ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, व्हेन इट कम्स टू यूनिटरी फीचर, यूनिटरी इटसेल्फ सेज यूनी, दैट मींस वन। यहाँ पर केवल एक लेवल की गवर्नमेंट जो है वो होगी, और उसके अंदर सब यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जा सके। उसका एग्जाम्पल है फ्रांस, चाइना एंड जापान। कहाँ पर कौन कौन से फेडरेशन बनाए जा सकते हैं? दो आस्पेक्ट हैं जो इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं और उस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है वो। एक तो उनके बीच में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट जब भी रूल करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही एग्रीमेंट करते हैं, और यू कैन से इट्स अ पॉलिसी बिटवीन दीज टू, दैट इज़ द म्यूचुअल ट्रस्ट, और यू कैन से दे हैव टू वर्क टुगेदर टू रन ओवर द कंट्री। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप के रूट्स बताए हैं कि फेडरेशन किस तरीके से बनाया जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द टू आस्पेक्ट। दिस इज़ अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सी द डिफरेंस। कमिंग टुगेदर की अगर हम बात करें, तो जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, यानी एक साथ चलना, दैट इज़ द कमिंग टुगेदर। और इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या स्टेट्स जो होते हैं, उनके पास में इक्वल पावर होती है, और जो स्टेट्स होते हैं वो एक अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनोमी को एंजॉय करते हैं। यू कैन से कि कमिंग टुगेदर का मतलब है एक साथ आके एक यूनिट को बनाना, यानी छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं मिलके इस बड़ी यूनिट को बनाएगा, ये होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लार्ज कंट्री, सी द डिफरेंस, यहाँ पर है इंडिपेंडेंट स्टेट्स और यहाँ पर बात कर रहा है लार्जर कंट्री की। ये लार्जर कंट्री डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और द नेशनल गवर्नमेंट। इसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। यू कैन से इट्स अ लार्ज कंट्री एंड इट्स सेल्फ डिवाइड कि पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा,
यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू अ कमिंग फेडरेशन तो ये एक पूरा जो है जॉइंट फेडरेशन बन जाता है, और एक ये पूरा कम्युनिटी जो है वो फेडरलिज्म को आपको चलाता है। सो सी दिस डिफरेंस कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं वो एक साथ आते हैं, और यहाँ पर बड़ी कंट्रीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कि वो नेशनल गवर्नमेंट में रूल करेगी या उसको डिस्ट्रीब्यूट यूनिट्स में करेगी। सो दिस इज़ द माइनर और यू कैन से अ मेजर डिफरेंस। अगर हम इन दोनों के एम की बात करें तो कमिंग टुगेदर का जो मेन एम होता है वो सोवरेनिटी को मेंटेन करना होता है और उनकी सेपरेट आइडेंटिटी को बनाना होता है। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो भी कंट्री होगी उसको इंटरनली और एक्सटर्नली दे आर फ्री, वो फ्री होते हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। इन ऑल कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है अपनी ओन आइडेंटिटीज़ के लिए, अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये जो है सोवरेनिटी को और उसकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं एब्सेंट कर देता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर पावर इनटू सब यूनिट्स। सो इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड डील्स विद द कमिंग फेडरेशन, एंड इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन इज कमिंग इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल्स लाइक एंड यू कैन से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या ऐसे रीजन्स रहे थे कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाया गया? पहली बात कि जितने भी प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये देख सकते हैं जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से लिए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। इट मीन्स देर आर द थ्री लिस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड। इट सेल्फ सेज दैट इज़ द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन स्टेट एंड द कंकरेंट लिस्ट, एंड फेडरल सिस्टम इट सेल्फ सेज कि देर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। कम टू द टॉपिक दैट इज द थ्री लिस्ट विच इज मैंशन बिलो। दिस इज द लिस्ट सिस्टम। वॉट इज लिस्ट सिस्टम? लिस्ट सिस्टम इज बेसिकली द सब्जेक्ट्स विच आर एन्यूमरेटेड, और यू कैन से द सब्जेक्ट्स ऑन विच द गवर्नमेंट डिसाइड टू मेक द लॉज। यहाँ पर इंडिया में तीन टाइप की लिस्ट प्रोवाइड की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर लॉज जो है बनाता है कौन? यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और इसी तरीके से पहली लिस्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इटसेल्फ सेज यूनियन, आप जानते हैं यूनियन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर कौन गवर्नमेंट बनाएगी, दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जैसे आप कंट्री के डिफेंस की बात कर सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात कर सकते हैं, बैंकिंग की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस की बात कर सकते हैं, और करेंसी की बात कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यूनियन लिस्ट में ऐड किए गए हैं, और इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 101 इट्स अ टुडेज रेशियो कि अभी तक 101 लिस्ट सब्जेक्ट्स आर देयर इंक्लूडेड, एंड यू कैन से 101 सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इनके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाएगी जो लोकल इम्पॉर्टेंट और स्टेट इम्पॉर्टेंस के होते हैं, जैसे वहाँ का कॉमर्स, एग्रीकल्चर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एक्सेट्रा एंड द इरीगेशंस। ये 61 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं इन द स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट जो है रूल्स आपके बनाती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मीन्स यहाँ पर आपकी कॉमन इंटरेस्ट होगा, बोथ यानी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके लॉज बनाएंगे। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 47 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है यानी सेंटर हो और चाहे स्टेट हो, दोनों मिलके इस सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी लॉ बना सकता है। बेसिकली इट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है
ये दोनों ही इनके ऊपर लॉज बना सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द टू, दैट इज़ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो कंसिडर किया जाएगा। सो देयर आर थ्री लिस्ट, दैट इज़ द यूनियन, स्टेट एंड द कॉन्करेंट। अगर हम तीनों लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंडर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, देयर इज़ 101 सब्जेक्ट्स आर देयर जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एंड कंकरेंट लिस्ट में यू विल फाइंड आउट कि दोनों गवर्नमेंट मिलके लॉज बनाते हैं। और अगर किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी लॉ जो है अगर वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं माना जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो है कंसिडर, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो कंसिडर किया जाता है। तो इट शोज़ कि फेडरेशन में यूनियन गवर्नमेंट इज़ क्वाइट पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। हमने तीन लिस्ट पढ़ी है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ना यूनियन में, स्टेट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन होते हैं, बट ये एक पार्ट है फेडरल फेडरल गवर्नमेंट का कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं फेडरेशन में या कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको आप अलग से रखते हैं, जिनके ऊपर यूनियन और स्टेट मिलके जो है आपके पावर्स बना सकते हैं। और रेजिडरी पावर्स में यू विल फाइंड आउट देयर इज़ अ स्पेशल रोल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इम्पॉर्टेंस का डिक्लेयर करके उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर लॉ बनाएगा, और अगर वो नेशनल या लोकल इम्पॉर्टेंस का है तो वो राज्यसभा उसको कंसिडर करेगा। सो दिस इज़ द लिस्ट सिस्टम ऑफ द फेडरल सिस्टम। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द हाउ इज़ फेडरेशन, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ, एक तो होता है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। ये क्रिएशन जो है वो फर्स्ट और मेजर टेस्ट जो किया गया था इंडिया में 1947 से 2017 तक के जो जितने भी स्टेट थे उनको हटा दिया गया और नए स्टेट बनाए गए। क्योंकि इससे पहले कि अगर हम स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स जो है लैंग्वेज बेसिस पे या रिलीजन और रीजन या कास्ट या क्लास के बेसिस पे फॉर्म हुए थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कंसिडर किया गया कि सारे स्टेट्स को नया बनाया जाए और उनकी बाउंड्रीज जो है, उनके स्टेट की बाउंड्रीज को जो है चेंज किया गए, और उसके अंदर जो सेम लैंग्वेज थी उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे जो फॉर्मेशन किए गए, यानी जितने भी स्टेट फॉर्मेशन हुए वो लैंग्वेज के बेसिस पे किए गए, एंड दीज कंसिडर्ड आल एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो सारे स्टेट जो लैंग्वेज के बेस्ड पे बनाए गए वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। इंडियन फेडरेशन में एक नेक्स्ट टेस्ट लिया गया, दैट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी, और हिंदी जो थी इसमें सबसे ऊपर आइडेंटिफाई की गई एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस, यानी इन टोटल देयर आर 22 लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज अ स्केड्यूल लैंग्वेज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट के पास में भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज और अपना जो गवर्नमेंट है वो इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो लैंग्वेज पॉलिसी आप ये कह सकते हैं जिस भी स्टेट में जो भी लैंग्वेज बनाई गई या जिस भी स्टेट में जो भी लैंग्वेज कंसिडर की गई उस स्टेट ने उसी को वैसे ही फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान यू विल फाइंड आउट द मारवाड़ी लैंग्वेज इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द पेपर्स, बट मारवाड़ी इज़ द लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो पंजाबी इज़ कंसिडर्ड द पंजाब लैंग्वेज। आफ्टर दैट ओडिशा, तो यू विल कंसिडर उड़िया। सो देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस आर रिकोगनाइज एज अ स्केड्यूल्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इट इट सेल्फ सेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनमरेटेड है। आप अगर आप बात करेंगे
तो यहाँ पर कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में। अगर हम बात करते हैं जो मेजर नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग पार्टीज़ के साथ में, रीजनल पार्टीज़ के साथ में मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, और ये एक नए कल्चर को फॉर्म करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये पावर शेयरिंग का आइडिया है, जो हमने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा था कि पावर को इस तरीके से शेयर किया जाता है कि चाहे आपका पार्लियामेंट हो, उसके अंदर लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, पावर इक्वली हर रिप्रेजेंटेटिव में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरीके से किस बेसिस पे, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बेसिस पे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, प्लीज़ रिपीट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बेसिस पे फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जा सकता है। To watch the complete video, download the Upbind educational app from Play Store and App Store.